काफ़ी खुश हैं सर. ऑब्वियसली हम सीरीज लीड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार, और ट्रॉफी यहाँ से लेके जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ लास्ट टेस्ट में क्या होता है. ऑल दो हमारा एम है कि सीरीज जीतनी हमें यहाँ पे, जो हम पहले से सोच के आए थे, तो वो हमारा एम किसी भी कीमत पर नहीं हिलेगा. लेकिन ज़रूरी, इस मोमेंट को रियलाइज़ करना ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि कितनी मेहनत लगी है हमें इस स्कोर लाइन तक पहुँचने के लिए, और उस चीज़ को आई थिंक एज अ होल टीम हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. और मयंक और जसप्रीत का एफर्ट, स्पेशली जसप्रीत तो अभी 12 महीने से खेल रहे हैं, लेकिन मयंक का आई वुड से कंपोजर और उसका डिटर्मिनेशन और उसका इंटेंट और बिलीफ, काफ़ी एक हमें बूस्ट मिला, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर फर्स्ट डे पे जैसी उसने बैटिंग करी, आई थिंक वो काबिले तारीफ है. क्योंकि आसान नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में आके एकदम ऐसा शुरू करना और ऐसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट शुरू करना, तो आई थिंक उसको भी जीत का काफ़ी क्रेडिट जाना चाहिए. जसप्रीत तो ऑब्वियसली इस समय दुनिया में सबसे बेटर, सबसे अच्छे बॉलर हैं मेरे हिसाब से, और मैच विनर हैं वो, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन मयंक का कॉन्ट्रीब्यूशन भी स्पेशल था.